ये रिपोर्ट है नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड दे स्कैंडल बारे। 5,600 करोड़ का स्कैंडल। कंडीशन सी कि अपनी अटैच प्रॉपर्टी नहीं बेचेगा, तो होया कि उसने इस कंडीशन की वॉयलेशन करते हुए अपनिया 19 जायदादा 70 करोड़ रुपए दियाँ लुधियाने के विच वेचती। कौस्तुभ शर्मा सी पी लुधियाना ने SIT बनाई, आधार बनाया कि जिहड़ियां अटैच प्रॉपर्टीज़ हुंदियां ED दियाँ 365 दिन अटैच हो सकदियां, इस तों वध नहीं। पर वह भुल गए कि यह प्रॉपर्टियां 2014 दे विच PMLA कोर्ट ने कन्फर्म करतियां, परमानेंट करतियां। 700 करोड़ रुपए की हेराफेरी, लाइबिलिटी कैलाश अग्रवाल से। तो हूँ कहना जी मैं याद कुछ नज़र करो, टोपी पाई हुई एक बुजुर्ग बंदा बैठा, वो कैलाश अग्रवाल। तो एक पासे भगौड़ा पुलिस के हाथ नहीं आ रहा, दूजे पासे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अगे पेश हो रहा, यह किस तरह हो रहा। यह सारी मिली भुगता कि मिली भुगता, पुलिस की मिली भुगता। पंजाब दस्तावेज के स्रोतों लिए मैं रजिंदर सिंह तगड़ लैके हाज़र हाँ एक विशेष रिपोर्ट एजेंडा एपीसोड दे विच। ए खबर थानू सिर्फ पंजाब दस्तावेज ते ही सुनन नू ते देखन नू मिलेगी। ये रिपोर्ट है नैशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड दे स्कैंडल बारे। 5,600 करोड़ का स्कैंडल। जिदे 13,000 इनवैसटर्स का पैसा फसया मरिया, तो ये पंजाब की रेलेवेंस है। पंजाब के 3 बिजनेसमैन ये इनवॉल्व सी, जिन्हों एक उगा बिजनेसमैन लुधियाने तो सी जिदा नाँ कैलाश अग्रवाल है, तो 2 होर शहर तो सी, एक जलंधर तो सी। कैलाश अग्रवाल की लाइबिलिटी एनफोर्समेंट डायरैक्टर ने 700 करोड़ की क्ढ़ी सी, ओदियां प्रॉपर्टियां केस नाल अटैच करती गई, उसकी जमानत हो गई। कंडीशन सी कि अपनी अटैच प्रॉपर्टी नहीं बेचेगा, तो होया कि उसने इस कंडीशन की वॉयलेशन करते हुए अपनिया 19 जायदादा 70 करोड़ रुपए दियाँ लुधियाने के विच वेचती। एनफोर्समेंट डायरेक्टर डायरैक्टरेट नूं पता लग गया। एनफोर्समेंट डायरैक्टरेट ने इनकुआरी की तहसीलदारां तों, प्रॉपर्टियां की जांच की, उदू बाद पुलिस नूं कंप्लेंट की। 10 महीने तो बाद इंतजार कराने तो बाद लुधियाना पुलिस ने परचा दर्ज किया। परचा कित्थे दर्ज होया? परचा दर्ज होया 9 FIR नंबर 93 पुलिस स्टेशन डेलो। पर कैलाश अग्रवाल को गिरफ़्तार नहीं किया गया, वो भगौड़ा हो गया, एंटीसपेटरी बेल नहीं अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गई हाई कोर्ट तो, फरवरी दे विच सुप्रीम कोर्ट तो रिजेक्ट हो गई, फड़िया नहीं गया। SIT बनाई गई, कौस्तुभ शर्मा CP लुधियाना ने SIT बनाई, चेयरमैन सचिन गुप्ता JCP रूरल जिहड़े कि हुण SSP लगे हुए ने, उन्होंने इनकुआरी की। इनकुआरी की उन्होंने कहा जी कि एनफोर्समेंट डायरैक्टरेट वालों दर्ज की गई करवाई गई FIR कैंसल कर दो। एक होर कमेटी बनी रविचरण सिंह बराड़ की चेयरमैनशिप हेठ, उन्होंने भी कहा कैंसल कर दो। आधार की बनाया? आधार बनाया कि जिहड़ियां अटैच प्रॉपर्टीज़ हुंदियां ED दियाँ 365 दिन अटैच हो सकदियां, इस तों वध नहीं। पर वह भुल गए कि ये प्रॉपर्टियां 2014 दे विच PMLA कोर्ट ने कन्फर्म करतियां, परमानेंट करतियां सी। पहला प्रोविजनल अटैचमेंट हुंदी है 365 दिन लई, उदू बाद अदालत अगे जांदा मामला, अदालत उहनूं चार करके कन्फर्म करदी आ, परमानेंट करदी आ। इह परमानेंट होईआं 2014 विच दसंबर दे विच, 18 दसंबर। पर लुधियाना पुलिस ने सारे कानून नूं चिक्के टांग के परचा कैंसल करन ते जोर दित्ता रख्या,
पर परचा हजे तक कैंसल नहीं होया। हुण अफसर बदल गए, भगवंत मान सरकार ने रिशफल करती अफसरां दी, नवे अफसर आ गए। इस दौरान ईडी ने कैलाश अग्रवाल वालों दुबई दे विच खरीदी गई प्रॉपर्टी अटैच करती। ये प्रॉपर्टी केड़ी सी? पाम जुमेरा एक बहुत ही पॉश लोकैलिटी है जिथे इन्हें 622 स्क्वायर मीटर का बंगला खरीदया। उत्थे इहदा बेटा भी रहिंदा है अभिनव अग्रवाल, जिहड़ा कि भगौड़ा होया होया प्रोक्लेम्ड अफेंडर है ईडी वालों, रैड कॉर्नर नोटिस जारी होया होया, भारत वापस नहीं आ रहा, कानून की गिरफ्त तो बाहर है, उत्थे रह रहा। तो कैलाश अग्रवाल हुण की कह रहे हैं? वो अज पेश होए सुप्रीम कोर्ट वालों बनाई गई एक कमेटी के अगे, जज साहब नूं कहा जी मैं बुजुर्ग हो गया, बुढ़ा हो गया, मैनू बड़ी बीमारियां लग गई, तो मेरी याददाश्त भी कमज़ोर हो गई, तो मैनू अपने पैसे टके का हिसाब किताब नहीं पता, मैं अगली तरीक से अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट नूं भेजूँगा, वो सारा रिकॉर्ड लैके थोड़े कोल आएगा। पर वेखण वाली गल ये है, 700 करोड़ रुपए की हेराफेरी लाइबिलिटी कैलाश अग्रवाल से, तो हुण कहिंदा जी मैनू याद कुछ नहीं। एक पासे भगौड़ा है, पुलिस नूं लभ नहीं रहा, पुलिस कह रही असीं रेड कर रहे हैं, तो दूजे पासे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अगे पेश हो रहा, जिस तरह के तुसीं वीडियो च देख रहे हो, तुसीं वीडियो नज़र करो, टोपी पाई हुई एक बुजुर्ग बंदा बैठा है, वो कैलाश अग्रवाल है। सो एक पासे भगौड़ा पुलिस के हाथ नहीं आ रहा, दूजे पासे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अगे पेश हो रहा, यह किस तरह हो रहा? यह सारी मिली भुगता किदी मिली भुगता? पुलिस की मिली भुगता। सो ये होर एक जिक्र वाली गल है कि जिहड़ी पहली पुलिस टीम सी लुधियाने की, उन्होंने FIR विचों कैलाश अग्रवाल की पत्नी रजनी अग्रवाल ते उन्होंने भतीजे अभिषेक का नाम कढ़ता, एक मनमोहन कुमार का नाम भी कढ़ता, उन्होंने FIR शामिल ही नहीं किया, जिन्हें जदोंकि उन्होंने अगेंस्ट भी दोष सी, उन्होंने अगेंस्ट भी एविडेंस सी, क्योंकि वो मैसर जेनेक्स इंफ्राटेक जिहड़ी कि कैलाश अग्रवाल की कंपनी आ, उहदे विचों डायरैक्टर ने। क्यों किया गया इदा ये दसणगे पुलिस वाले, उही दस सकते हैं, जां नवीं जाँच होएगी वह दस सकती है। इस दौरान यह भी जिक्र योग है कि ईडी के अफसर भी बदल गए, जिहड़ा पुराना अफसर सी दीक्षित वो गुवाहाटी चले गया, एक नवा अफसर आ गया, नवा अफसर गल करन तो इनकार कर रहा है। मामला 700 करोड़ का, पब्लिक मनी, इनोसेंट लोगों का हार्ड अर्न्ड मनी, एक बंदा लैके उन्हें जब्त कर जाए या उहदे नाल रफू चक्कर हो जाए, उन्हें हवाले राही बाहर भेज दे, बड़ी माड़ी गल है। सुमेधा गोयल जिहदे खिलाफ लुकआउट सर्कुलर कढ़िया होया ईडी ने, क्योंकि पाया गया कि जिहड़ा हवाला मनी है कैलाश अग्रवाल का 700 करोड़ रुपए का, वह सुमेधा के नाँ से बाहर ट्रांसफर किया गया। सुमेधा की प्रॉपर्टी तो बिजनेस इंट्रस्ट कितने कितने ने, दुबई, फिलीपींस, सिंगापुर, यूके, इत्थे इत्थे कंपनियां चल दियां, इत्थे इत्थे प्रॉपर्टियां, ये पैसा कितों गया? ईडी नूं शक है, ईडी का मनना कि पैसा सारा भारत चों गया। ये जिहड़ी कंपनी सी नैशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड, ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी सी जिहदे विच 13,000 लोगों ने पैसा इनवैसट किया, टोटल पैसा 5,600 करोड़। तो गरीब मारे गए जिन्होंने हौसला करके या ये सोच के कि ब्याज ज़्यादा आऊगा पैसा इनवैसट किया। लुधियाना पुलिस का जिहड़ा रोल है हुण तक, वो शंका के घेरे विच आ, उन्होंने सवाल उठते हैं, सवाल उठते हैं कौस्तुभ शर्मा से, सवाल उठता है सचिन गुप्ता से, सवाल उठता है रविचरण बराड़ से, क्यों नहीं कानून पढ़िया, क्यों नहीं कंसल्ट किया ईडी नूं कि अटैच्ड प्रॉपर्टी परमानेंट हो चुकी आ, ये प्रोविजनल नहीं, ये FIR कैंसल नहीं हो सकती। फिर बार बार क्यों कहा गया कि FIR कैंसल कर दो, FIR कैंसल कर दो? इस मामले पर मेरा ख्याल है कौस्तुभ शर्मे ने अखीरला फैसला नहीं लिया, वो भी लौंग रोप देंदे रहे, देखते हैं ना वो कैलाश अग्रवाल को गिरफ्तार कर सके,
ना ही वह सही जांच करवा सके सवालों के घेरे च। अज की रिपोर्ट के इन्ना ही ये तुसीं बड़ी जल्द ही विस्तार नाल रिपोर्ट indianarrative.com ते पढ़ोगे। अज की इस खास रिपोर्ट विच इन्ना ही। मैनू रजिंदर सिंह तगड़ नूं आ गया दिओ। सत श्री अकाल, नमस्कार।